कि अपने को स्ट्रीट डॉग्स के लिए कपड़े चाहिए, तो भैया ने यहाँ पे कुछ कपड़े अपने लिए अरेंज करके रखे हुए हैं। ये कपड़े यूज्ड कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े जैसे कपड़ों के अंदर हल्का सा डिफेक्ट आ गया या जो थोड़े बहुत डस्टी हो गए ना, तो ये वो वाले कपड़े हैं। हाँ जी, तो ये जो हम इसको कपड़े पहना रहे हैं ना, ये कपड़ा आपके सामने मैं खरीद के लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीस के अंदर। तो भाई साहब देखो इसको प्रॉपर तरीके से आ गया, और ये ना अंदर से देखो ना तो प्रॉपर वॉर्म वाला फैब्रिक है। और डॉग्स के लिए एक ये बैग पूरा का पूरा बिस्कुट का बैग है। भैया कितने किलो का बैग है ये? 25 किलो का भैया, ये 25 किलो का बैग है। और ये बैग अपने को पड़ रहा है कितने का पड़ रहा है? किसी को डॉग फूड चाहिए या डॉग से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए होलसेल के अंदर, तो वो साहिल सर से ले सकते हैं, ठीक है ना? तो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जस्ट इस ब्लॉग के अंदर मैं थोड़ी सी आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई साहब ठंड आ चुकी है, तो प्लीज़ 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 आप लोग भी और हम सब लोग मिल कर ना बेसिकली अपने स्ट्रीट एनिमल्स का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। सो गाइस, आज वाली हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली बनने वाली है मेरे स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, बिकॉज मेरे को ना अपने स्ट्रीट डॉग्स के साथ बहुत ज़्यादा वाला प्यार है। एंड उनके लिए इस टाइम पे मैं लेने जा रहा हूँ कपड़े वगैरह। मेरे को कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं लेने हैं, रीजनेबल लेने हैं। एंड अगर मेरे को बिल्कुल सही रेट पे कपड़े अगर मिल जाएंगे ना वहाँ पे, तो मैं आप लोगों के साथ एड्रेस वगैरह और उनका फोन नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा, सो देट कि जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हो वो लोग यहाँ पर आ सके और स्ट्रीट डॉग्स के लिए रीजनेबल और बढ़िया कपड़े ले सके। क्या रेट पड़ेगा सर ये? 15 रुपए इंच पड़ेगा। तो जैसे कि कितना हो गया यार ये? 22 नंबर है, जैसे ये 24 नंबर है। अच्छा 24 नंबर है, 4x15 हो गया सर आपका 360 रुपए। 360 रुपए का पड़ गया, ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है यार। थोड़ा सस्ते में कुछ है इसमें यार? जी सर, यही तो सस्ता है, यही सस्ता, यही सबसे सस्ता है। हाँ, ये महंगा वाला दूसरा होगा, देखो आप ये महंगा वाला ये कपड़ा ये कपड़ा तो भाई यही वाला चाहिए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है ना, ये वाला, ये वाटर प्रूफ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा वॉशेबल भी है, मैं थोड़ा बाल बाल भी लगने का वो नहीं रहता। हाँ, कपड़ा तो एक्चुअली में भाई यही चाहिए मेरे को, पर ये महंगा पड़ मेरे को 10-15 पीस चाहिए यार। चलो सस्ता लगा देता। क्या रेट पड़ता है दादा, क्या रेट पड़ेगा? मैं एक्चुअली में ना ऊपर से लेकर जाता था यार, ऊपर वहीं का दुकान है, तो वहाँ पे तो यार कई बार मेरे को बहुत रीजनेबल में मिल जाता था। लास्ट ईयर लिए मैंने, इस साल तो लिए नहीं है, लास्ट ईयर मैंने लिए थे तब। तो सब पे दाम बढ़ा हुआ है, सब पे दाम बढ़ा हुआ है। बिस्किट बिस्किट सारा महंगा हो गया। बिस्किट क्या रेट चल रहा है? हाँ जी 90 रुपये चल रहे हैं। अच्छा, एंड हाँ जी, हम अपनी आ गए हैं सेकेंड लोकेशन पे। ये शॉप रिजोरी गार्डन के अंदर है, और ये इस दुकान से ना रेगुलरली मैं रेगुलरली यहाँ से ना पेडिग्रीज के पैकेट लेके जाता होता हूँ, या बिस्किट के पैकेट लेके जाता होता हूँ अपने डॉग्स के लिए। और पेडिग्री के ऊपर ना भैया ऑलमोस्ट मेरे को ना 10-15% डिस्काउंट ऑन MRP दे देते हैं, और कभी कभी खुश होते हैं तो 20% भी दे देते हैं। और यहाँ पर ना मेरे को किसी ने बोला था कि यहाँ पर कपड़े रीज़नेबल रेटों पर मिल रहे हैं। अपने को स्ट्रीट डॉग्स के लिए कपड़े चाहिए, तो भैया ने यहाँ पे कुछ कपड़े अपने लिए अरेंज करके रखे हुए हैं। और थोड़ा सा ना साइजेस का फ़र्क है, देखो अगर हमारे को सस्ते कपड़े चाहिए ना तो साइजेस एक्यूरेट तो कभी भी नहीं मिलते हैं, कुछ पीसेस बहुत छोटे हैं और कुछ पीसेस बहुत बड़े हैं। बट जो बड़े वाले पीसेस हैं ना, इसकी हम थोड़ी सी ना कटिंग करके इनको रेडी करके अपने स्ट्रीट डॉग्स को पहना देंगे। हाँ जी, और इनकी जो कॉस्ट है ना, वैसे करण भैया ने मेरे को बहुत ही सही रेट पर बताया था। हेलो करण भैया ने मेरे को इसका प्राइस बताया था एक अप्रॉक्सीमेटली 100-150 की रेंज में, और ये इसी रेट के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो, अपने स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर सकते हो। सो गाइज, आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये जो मैं अभी कपड़े लेकर आया हूँ, ये कपड़े इस शॉप से जो लेकर आया हूँ पेट पॉइंट से, ये कपड़े मेरे को 7 पीस अभी लेकर आया हूँ, ये मेरे को पड़े हैं 870 रुपीज़ के। सो मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 125 का एक कपड़ा मेरे को पड़ा है। ये कपड़े यूज्ड कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े जैसे कपड़ों के अंदर हल्का सा डिफेक्ट आ गया या जो थोड़े बहुत डस्टी हो गए ना, तो ये वो वाले कपड़े हैं। हाँ जी, सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अपनी इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, कि आपको अगर डॉग फूड वगैरह या डॉग से रिलेटेड क्लोथ्स
वगैरह कुछ भी चाहिए हो ना तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे इस वीडियो के अंदर इससे पहले मैंने एक आपको शॉप कवर करी थी जहाँ से मैंने कुछ क्लोथ्स वगैरह लिए हैं, और अभी मैंने मंगवाया है डॉग्स के लिए एक ये बैग, पूरा का पूरा बिस्कुट का बैग है। भैया कितने किलो का बैग है ये? 25 किलो का भैया। ये 25 किलो का बैग है और ये बैग अपने को पड़ रहा है कितने का पड़ रहा है भैया? 1575 रुपये का, मतलब 63 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। एंड भैया का नंबर मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो भैया अगर किसी को भी डॉग से रिलेटेड कुछ सामान चाहिए तो वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सो देट कि यार और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हाँ जी, तो सर निकाल दो यार, अभी इसको हम अपनी गाड़ी में ही रख लेते हैं। ये बैग है पूरा 25 किलो का बिस्कुट का बैग है, अभी इसको हम गाड़ी में रख रहे हैं एंड जब हम रात को निकलेंगे ना तो जहाँ जहाँ हमें नीड लगेगी ना वहाँ वहाँ पे हम इसमें से बिस्कुट निकालेंगे और डॉग्स को खिला देंगे। ये बेसिकली डॉग बिस्कुट है, कोई पार्ले जी वाला बिस्कुट नहीं है। इसके अंदर हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर और नाप तोल के डाला जाता है। सो हाँ जी, हम लोग आए हुए हैं मार्केट के अंदर अपने डॉग्स को कपड़े पहनाने के लिए। बट मेरी बात सुनो, आगे की वीडियो को देखने के लिए पहले ना मेरी पीछे वाली स्टोरी चेक कर लो जिसके अंदर हमने आपके साथ बहुत ही सही चीज़ शेयर करी है रिलेटेड टू मेरे बारे में और मेरे कुछ हेयर्स को लेकर। सो पहले मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब जैसे आप लोगों को पता ना कि आपका भाई शेयरिंग एंड केयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वाला बिलीव करता है, सो उसी बात को लेकर ना एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा वाला परेशान था, मेरे हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। वैसे भी यार हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ही अनहेल्दी और पॉल्यूटेड लाइफस्टाइल है, सो उन सारी चीज़ों को लेकर ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाले झड़ रहे थे। एंड मेरी ना एक रिसर्च चल रही थी कि मेरे को एक ऐसा बढ़िया माइल्ड शैम्पू मिल जाए जो विद केराटीन हो, जिससे कि भैया मेरे ना बाल झड़ना बंद हो जाए। सो इन सारी चीजों को लेकर मेरी एक रिसर्च चल रही थी अपने लिए एक बढ़िया था शैम्पू की। सो मेरे को मिला है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू, जो भाई साहब बहुत ही माइल्ड है, पैराबीन एंड सल्फेट फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है, चाहे आपके बाल कलर्ड हो या ट्रीटेड हो, मेंस हो या वुमेन्स हो, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये सबके लिए सुटेबल है। एंड वैसे भी इस शैम्पू के अंदर जो केराटीन एंड विटामिन ई ऑयल डाला हुआ है ना, इससे तो भाई साहब हेड वॉश करने के बाद मेरे बालों में बहुत ही ज्यादा वाली ना स्मूथनेस और शाइन आ जाती है। एंड इस पूरी रिजीम को फॉलो करने के लिए ना मैंने मामा अर्थ का कंडीशनर भी यूज कर रहा हूँ। एंड मामा अर्थ का जो ये कंडीशनर है ना, ये भी पैराबीन और सिलिकॉन फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है, एंड साथ के साथ इसके अंदर भी अनियन ऑयल के साथ कोकोनट भी डाला गया है, सो जिससे हमारे बालों को ना बहुत ही ज्यादा वाली सॉफ्टनेस मिलती है एंड ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड ये कंडीशनर भी बिल्कुल केमिकली फ्री है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर, इवन अगर आपके कलर्ड या ट्रीटेड हेयर है ना तो भी ये सुटेबल है आपके बालों के लिए, बिकॉज ये शैम्पू ये कंडीशनर्स बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही अच्छी इनकी फ्रेग्रेंस है। एंड साथ के साथ मैं यूज करता हूँ मामा अर्थ का हेयर ऑयल जो मिनरल ऑयल और सिलिकॉन फ्री है, साथ के साथ ये भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है। एंड अगर हम बात करते हैं ना प्राइस की, तो मामा अर्थ का जो शैम्पू है ना इसका प्राइस है 349 रुपीज फॉर 250 ml, कंडीशनर का प्राइस भी सेम है 349 रुपीज फॉर 250 ml, एंड इसका ये जो कमाल का हेयर ऑयल है ना इसका प्राइस है 150 ml फॉर 399 रुपीज। बट टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अगर आप इनके सारे प्रोडक्ट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हो, Amazon, नाइका, पर्पल, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो या मामा अर्थ की ऐप से खरीदते हो ना, तो वहां पर आप अपने भाई का कोड यूज कर सकते हो Daman2021 टू गेट द 20% डिस्काउंट। हाँ जी, तो भाई साहब देर किस बात की है, फटाफट से जाओ मामा अर्थ की ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे लॉग इन करके फटाफट से अपने भाई का कूपन कोड यूज करो और 20% डिस्काउंट ले लो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे ना प्रोडक्ट्स बहुत ही माइल्ड और बहुत सही है। एंड भाई साहब वैसे भी इसकी जो ये पैकिंग है ना ये बहुत ही सही है, पम बेस्ड है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, सो इसको लेकर आप कहीं पर भी इजीली कैरी करके ट्रैवल कर सकते हो। और वैसे भी अगर हम बात करें ना मामा अर्थ के बारे में, तो मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं ना उससे कहीं ज्यादा ये लोग प्लास्टिक को रिसाइकल भी करते हैं। एंड इनके प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना सारे वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर भैया किसी भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाता। एंड अगर आप इनके प्रोडक्ट्स अगर इनकी वेबसाइट से खरीदते हो ना, ये आपके हर एक ऑर्डर को लिंक कर देंगे एक ब्रांड के साथ, क्योंकि मामा अर्थ का एम है 2025 से पहले पहले 1 मिलियन ट्रीज लगाने हैं। एंड उसके बाद सबसे अच्छी चीज कि ये मेड इन इंडिया है, तो मेरे हिसाब से तो ना हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को फुल ऑन वाला सपोर्ट करना चाहिए। मैं मामा अर्थ के इन सारे इनिशिएटिव को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत सही लगते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं।
सो देखो जी टाइम आ चुका है जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे थे ना। देखो इसके अंदर सिर्फ हमने कपड़े खरीद के दिखाना, बिस्कुट्स खरीद के दिखाना है या पेडिग्री खरीद के दिखाना मकसद नहीं था। मकसद हमारा साथ के साथ ये भी था कि हमने अपने ना बच्चों को कपड़े पहनाने भी हैं। बच्चे मेरे यही हैं, ये जो मेरे हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं। आ जा बेटा, आ जा आ जा। ये बहुत प्यारा सा बच्चा है, डर मत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये इनके कपड़े हैं, चार कपड़े मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चार डॉग्स हैं। इसके अलावा दो तीन डॉग्स मेरे घर के वहाँ पर हैं तो वहाँ पर भी जाके पहनाएंगे। और ये देखो ये आ गया, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है ये। तो ये दोनों के दोनों बहुत प्यारे से बच्चे हैं। और एक वो थोड़ा सा बदमाश, वो जो बदमाश है ना वो वहाँ बैठा हुआ है, और एक और बहुत ज़्यादा वाला बदमाश है वो ये वाला। शायद हम इसको कपड़े नहीं पहना पाएंगे बिकॉज ना ये हमारे काबू में नहीं आता, बाकी के सारे हमारे काबू में आ जाते हैं। सो बाकी सबको हम कपड़े पहना देंगे, ठीक है जी। जैसे ये हमारे काबू में आ रहा है, ये हमारे काबू में आ रहा है, तो जस्ट वीडियो बना के ना मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी उन्हीं को कपड़े पहनाना जो डॉग्स आपसे फ्रेंडली हो। ये ना हो कि आप उन डॉग्स को जानते भी ना हो और आप घर से निकल पड़े कपड़े लेकर चले गए उनको कपड़े पहनाने के लिए और वो आपके फ्रेंडली नहीं है, पता लगे कि वो आपको काट ले। जैसे वो जो बैठा हुआ ना सामने, उसका मेरे को डाउट है कि वो काट सकता है, बट अभी ये तो नहीं काटेगी ना। उठा ले, फिर एक काम कर, इसी को पकड़ ले सबसे पहले, ले उठा के इसको इधर इधर ले, इधर ले, ये पहन लेगी कपड़े। तो गाइस देखो हम ये जो हमें ये जो कपड़े हैं ना जो मैं इसको पहना रहा हूँ, इसको नीचे से ले जा भाई, बिल्कुल नीचे से, हाँ राइट। तो ये जो हम इसको कपड़े पहना रहे हैं ना, ये कपड़ा आपके सामने मैं खरीद के लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीस के अंदर। तो भाई साहब देखो इसको प्रॉपर तरीके से आ गया, और ये ना अंदर से देखो ना तो प्रॉपर वॉर्म वाला फैब्रिक है, और जैसे वेदर इस टाइम पे इतना ठंडा है ना, तो भाई साहब इनको इन कपड़ों से बहुत आराम मिलेगा। वैसे ही थोड़ा सा घबरा रही है, बेटा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पहले तो जो कपड़े के अपनी थ्रेड्स वगैरह ना भाई, वो इसको पहना दे, वो उससे टाइट कर दे, उसके बाद ये थ्रेड से भी इसको बांध दे भाई, ताकि ना ये इसको बिल्कुल भी खोल ना सके, नहीं तो क्या होता है कि ये ना खुल जाते हैं। और ये जो फैब्रिक है भाई साहब, ये वाटरप्रूफ वाला फैब्रिक है, तो इस चीज़ की ना मेरे को बहुत खुशी है। ओए होए, साथ में लगा था फ्लैप भी है, कॉलर है, तो सही है जी। देखो कितना स्मार्ट लग रहा बच्चा। और ये वाली भाई रस्सी से हमने इसको बांध दे कपड़े को ना अच्छे से। ओए होए, क्या स्मार्ट लग रही है भाई। नहीं स्मार्ट नहीं लग रही, स्माइल कर, स्माइल। नहीं वो बेचारी ना घबरा रही है अभी थोड़ा सा ना, बट घबराना नहीं है बिल्कुल भी भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घबराना नहीं है, नो नो नो, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना, डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। ये पहला है, हाँ ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है भाई। रस्सी ना एक और लगा दे भाई, दो लगा दे भाई। ये रस्सी को यहाँ नहीं फेंकना भाई, इसको ना साइड में डस्टबिन में फेंक कर आई हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रस्सी है। तो सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है, हैप्पी, बहुत बढ़िया तरीके से तूने उसको हैंडल कर लिया। और ये भी देखो कितना शरीफ, शरीफों की तरह थोड़ा सा सहमी हुई है, थोड़ा डरी हुई है, बट कपड़े पहनवा रही है भाई। तू भी पहनेगा कपड़े, आ जा, तू सबसे बड़ा बदमाश है। चल भाई फ्री हो गई, ठीक है, चल प्यार कर दे और छोड़ दे उसको, चलो सही है, छोड़ दे छोड़ दे। चल भाई वो नहीं आएगा भाई, वो ना काट लेगा, ट्राई कर ले, वो काट लेगा, ये ना काट लेगा भाई। एक काम कर, उसको पकड़ ले, उधर वो बैठा हुआ ना सामने, हाँ चला आ जा, इधर आ, पकड़, कुछ नहीं करेगा, अबे नहीं काटेगा, मैं कह रहा हूँ तेरे को नहीं काटेगा, इधर आ, लिया कपड़े, लिया कपड़े, लिया इधर 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 भाई वो नहीं पहनेगा, वो काट लेगा, नहीं नहीं वो काट देगा मेरे, नहीं नहीं आपको जानता है ये, पहले बताओ, ये ना काट लेता है भाई, काट लेता है पिछली बार, ये काट लिया, ये ना काट लेता है, नहीं तो हम पहना तो देते इसको, ये काट लेगा। बच 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 बच, पकड़ एनु पा दे, बहुत बढ़िया आ गया, गले चेते ना राइट। नहीं नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है बेटे, जाना कहीं नहीं है, बस बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से। देखो कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली और डरपोक होते हैं, बट वो जो डॉग्स है ना दोनों के दोनों, वो दोनों बदमाश है, वो दोनों भाग जाते हैं यार, आते नहीं है, नहीं सो डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ जी बच 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 भाई, बस इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर दियो, थोड़ा सा हाँ हल्का सा कर देना भाई, पॉटी वॉटी भी करनी होगी थोड़ी सी ना, काट दे कपड़ा, काट दे या फोल्ड कर दे कपड़ा ना, फोल्ड कर दे, ताकि वो बच्चे को ये ना कि एक्चुअली कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है ना, तो उसको पॉटी वॉटी करने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, पॉटी सुसु करे आराम से, जिससे कि उसके कपड़े गीले बिल्कुल ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है।
देख ले भाई, एक हाँ एक नॉट ऊपर लगा दे और आराम से नॉट लगाइए, कंफर्टेबल वाली, मतलब ज्यादा टाइट ना हो, ठीक ठीक वाली हो, जो कंफर्टेबल वाली नॉट लगे। हाँ जी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी, बाय बाय बाय, एंजॉय करो विंटर्स को, एंजॉय करो। आजा भाई, अब तीसरा नेक्स्ट वाला जो तीसरा वाला ना उस पर ट्राई करते हैं, अगर वो काबू में आ जाएगा तो उसको भी लगा लो। छुप गया होगा, भाग के देख के जाएगा। हाँ वो ना छुप गया, वो कहीं दूर भाग गया मेरे को लग रहा है। वो दूर भाग गया। सो अभी हमने ना यहाँ पर दो डॉग्स को कपड़े पहना दिए हैं, बाकी कपड़े और भी हैं, तो वो डॉग्स तो भाग गए हैं। सो अभी हम चलते हैं अपने घर के पास, मेरे घर के बाहर जो डॉग्स है ना उनको मैं चल के पहनाता हूँ। हाँ ये अभी तू रख ले, एक काम कर, रख ले, बिल्कुल रख ले, रख ले। आ जाओ, खाना आ चुका है, खाना आ चुका है, और आप दोनों के दोनों ना बहुत स्मार्ट लग रहे हो। देख ले भाई, शर्म कर ले थोड़ी सी, ये देखिए कितनी स्मार्ट लग रही है और वो भी कितनी स्मार्ट लग रही है। बट तूने भाई साहब कपड़े नहीं पहने, और तू कपड़े पहनता नहीं है क्योंकि तू बहुत बदमाश आदमी है, बहुत बदमाश आदमी है। सो इनका खाना आ चुका है, मैं दोबारा से घर गया था और इनका खाना लेकर आया हूँ। ये भी भाई साहब बहुत बदमाश है, हाथ ही नहीं आया, भाग गया। बट कल हम दोबारा ट्राई करेंगे, अपनी कल वाली वीडियो में दिखाएंगे आपको कि इनको भी हमने ट्राई करा है कपड़े पहनाने का। तो हाँ जी, इनके लिए मैं अपने घर से पेडिग्री, दूध और ब्रेड वगैरह लेकर आया था, जो ये लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी देखो आज वाली वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ अपने तीन डॉग्स को ही कपड़े पहना पाया हूँ, बाकी के जो डॉग्स रह गए ना उनको हम कल दोबारा से कोशिश करेंगे उनको कपड़े पहनाने की। सो वो सारी चीज़ें आपको मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट कि बाकी के लोग भी इस बेनिफिट उठा सकें। एंड उसके साथ के साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगानी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है। ये सारे काम करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है, ऐसी वीडियोज हम आपके लिए और नई 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 लेकर आते रहेंगे। सो हम इसी के साथ अपनी आज वाली वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जी। ठीक है जी, बाय बाय।